हाँ बताइए सर, हम क्वार्टर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, साथ में वीडियो भी है बकायदा, सामने जो क्वार्टर के कैमरा लगा है उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है, समझते हम बच्चों के साथ बैठे हैं वहीं खेल रहे हैं, हमें नहीं मालूम है कि वो हमसे झगड़ा करेंगे, लेकिन उनका ये प्री प्लान था, क्योंकि अगर वो जिस मकसद से आए हैं फायर किए हैं, फायर हुआ तो हम बच्चों को लेके जस्ट देख के डरते हैं, वो भागे, हम उस हिसाब से अंदर भागे थे कि नहीं मालूम था कि हमारे साथ ही करेगा, और उनका क्वार्टर जैसे हमारा क्वार्टर उसके बगल बिल्कुल जस्ट सामने है, एनसील कर्मचारी है, उनका झगड़ा हुआ है एक घंटा पहले, वो पुलिस में पहले बकायदा एप्लीकेशन भी दे के आए हैं, जो जिनके साथ हरियाणा वाले के साथ उनका झगड़ा हुआ है, दूसरी लड़कियों के साथ, हमारे साथ कोई झगड़ा भी नहीं, ये अक्सर अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका पहले भी बताया गया है, 2-3 महीना पहले भी इनका किसी एनसीएल के साथ झगड़ा हुआ है, जीएमएम साहब को एप्लीकेशन भी गया हुआ, उनका 2-3 बार रहा है कोई ऐसा रिकॉर्ड। आप लोग बाहर कहीं से? सर हम हरियाणा से हैं, केवल ये मान लीजिए वो लोकल है, हम बाहरी हैं, हमारे साथ इसलिए ये सब किया जा रहा है। एनसीएल प्रबंधन क्या कर रहा है? सर एनसीएल प्रबंधन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कार्रवाई के लिए हम एप्लीकेशन दिए हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई इनको सस्पेंड किया जाएगा, हम सिर्फ उनसे इतना ही उम्मीद किया सर हमारी सिक्योरिटी की जाए। देखिए भैया आप लोग क्या काम करते हैं? सर हम सभी एनसीएल एम्प्लॉई है, एक भी बाहर का कोई नहीं है, पूरा जो हरियाणा का आया है वो सभी एनसीएल एम्प्लॉई ही है। कितने लोग आए थे मारने? अलग अलग परियोजना। कितने लोग मारने पीटने आए थे? सर 8 लोग से ज्यादा ही है, क्योंकि 800 वीडियो में स्पष्ट है। कितने राउंड फायर? कम से कम 6 राउंड फायर किए हैं, उनमें से तो कॉल एक तो जस्ट क्वार्टर के अंदर मारे हैं, जो क्वार्टर के अंदर है जिस लड़कियों को चोट लगा उसके बगल से गया, वो वहीं गिरा है, वो डर के मारे हाथ हटाया तो उसके सिर से दूसरा बंडा लठ मारा है, जिस प्रकार से तस्वीर दिख रही है कि घर के अंदर भी तोड़फोड़ किया गया। बिल्कुल गया, बिल्कुल अंदर, बिल्कुल बच्चे का बाइक है, घर का गाड़ी है, वो वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, वो सब टूटा हुआ है। क्या नाम है आपका? सचिन। ठीक है।